अच्छा ये जो मीनार है जो सामने मीनार है ये कितने साल पुराना मीनार है? अच्छा ये बहुत सारा पहले पुराना मीनार है जो मीनार यहाँ से गिर गया। कहाँ से गिर गया था? एक बाजू में गिर गया, फिर इसकी जगह पर दूसरा निर्माण किया गया इसकी जगह पर। हाँ एक गिर नहीं हुआ, ये बहुत ऊंचाई पे चल गया और हवा से उड़ गया। कौन गिर गया? फॉरनर गिर गया था। एक जहाज लड़ गया था, एक उतरवा दिया गया। इसकी अगर नहीं उतरवाएगा डिसबैलेंस हो जाएगा। ओके डिसबैलेंस हो जाएगा तो अगर सी इस तरफ गिर जाएगा तो पूरी आबादी खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो शिफ्टिंग कहाँ चल रही है? कितने साल पुराना बताया मंदिर? ये मस्जिद है समझ। एयरफोर्स से बस 12-1 बजे तक, उसके बाद में ये गलियां, पान वाली दुकान, मिठाई वाली दुकान, भांग वाली दुकान। कितने साल पुराना है ये? ये 350 साल हो गया। 350 साल पुराना है, बहुत पुराना हो गया। फिर आप इसके देख रेख में रहते हो? जी जी। कितने लोग यहाँ स्टाफ रहते हैं आपके साथ? तो हमारे साथ तो 2 लोग रहते हैं, 3 लोग। अच्छा। बहुत लोग आ जाते हैं लगभग समय समय से। अच्छा अच्छा। उसके बाद जुम्मा में एकदम भरा रहता है। अच्छा जुम्मा भरा रहता है। 5 वक्त की नमाज होती है। सारी हिस्ट्री अच्छे से पूछना है तो शुक्र वाले दिन आइए। अच्छा शुक्रवार वाले दिन आइएगा। वो मौलवी साहब सारी। अच्छा मौलवी साहब रहते हैं तो उनको इसकी हिस्ट्री सारी हिस्ट्री मालूम है। हम लोग को भी मालूम नहीं। जी हाँ तो आप देख रहे हैं ये कौन सी मस्जिद है? धारा मस्जिद। जी हाँ देख रहे हैं ये धारा मस्जिद है जो 350-350 साल पुरानी मस्जिद है। और इतनी पुरानी मस्जिद जुम्मा में एकदम भरा। आप लोग देखिए मस्जिद की हालत अभी भी कितनी अच्छी है। अभी इसका डेकोरेशन इतना अच्छा है। यहाँ देखिए पहले इसको, कितनी खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ का लोकेशन बनारस, ये बनारस की सबसे पुरानी मस्जिद है। जी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद का। ये मस्जिद 450 साल पुरानी मस्जिद है। और ये देखिए मस्जिद कितना हैवी है। ये कुछ मेरे फ्रेंड हैं जो मस्जिद में फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत बेताब हैं और मैं इन लोगों को एक अपने वीडियो में कैद कर लेता हूँ। ये यादें रहेगी शायद। मैं भी आना चाहूँगा। हम यहाँ पे मुंबई से शूटिंग करने आए हैं। फिल्म का नाम है द लेजेंड ऑफ पीकॉक और हम ये औरंगजेब की बनवाई 350 साल पुरानी मस्जिद में हैं और आज हम यहाँ पे शूट करने वाले हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। आइए दिखाते हैं आपको बनारस की नदी। सबसे एक्साइटेड मोमेंट है ये बनारस की नदियाँ। और गलियों की तो बात मत करिए, इतनी गलियाँ हैं और इतनी ऊँची सीढ़ियाँ हैं कि हम लोग की एकदम भाई। और ये यहाँ पे सारे घाट हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पूरा वहाँ तक 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट, राम घाट, सारे घाट हैं टोटल। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है।